सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज फिर से आ गया अपनी न्यू वीडियो में चुटकुली सी चैलेंजेस लेकर। तो ये एक ऐसी चैलेंज होगी जिसमें कोई पनिशमेंट नहीं, क्योंकि ये खुद में एक पनिशमेंट है। तो क्या होगा कि सारे स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे झूठ बोलने के साथ बोलने सब किया। इसलिए मैंने एक चीज चूज की होगी और मैंने इसके लिए चूज की होगी, इसे नहीं पता कि इनको क्या है और मुझे नहीं पता कि ये क्या है। उस बॉक्स में रखा होगा और उस बॉक्स का मुंह आपकी साइड होगा, तो आपको दिखेगा हमें जिसको नहीं दिया। इसको मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा इसे आंसर करने उसके बाद फिर उसे पूछ के बाद एक्सप्लेन। ऐसे इसके साथ होगा, पहले बॉटम फ्लिप कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन करेगा। हम इस सारे को मैं अभी इस सारे को इसकी मेरी आती है। सबसे पहले सेटअप लगाओ। तो भाई जैसे कि आप देख लीजिए मैंने सेटअप लगा लिया है, तो मैं इसे दो मिनट पूछूंगा आप इसे कहाँ खाने में लाते हैं। अरे पहले वो है तो बताओ कि कहाँ यूज होता है। खाने में। खाने में आप इसे कहाँ खाने में लाते हैं। इसे जहाँ लेके जाओ भाई लेके जाओ, क्योंकि मेरी फेवरेट डिश है। हाँ, इसे किस किस चीज किस किस चीज में मिला के खाते हैं। ये सॉस के साथ अच्छी नहीं लगती और ये तली हुई अच्छी नहीं लगती। बस मैं ज्यादातर तली हुई चीजें नहीं खाता, इसलिए मैं ऐसी खाता हूँ। इसमें नहीं लगता क्योंकि वो ठंडा हो जाता है, फिर मुझे गर्म करने का। पीने वाली चीज है। पीने वाली है। तो फिर भाई ये शेक है, मुझे पता चल गया शेक है, मिल्क होगा और पीने वाला कुछ नहीं है। तो इसे क्या है कि मैं शेक पीता हूँ या फिर ऐसे कुछ पीता हूँ। भाई देखो जो भी हम चीज खाते हैं उसके साथ मैं ये पी लेता हूँ बस। ये आप जाए थे तो आप एक्सप्लेन करो। तो ये ऐसी चीज है जो बहुत महंगी भी आती है, क्योंकि इट्स अ ड्रिंक नाउ। तो ये बहुत पसंद है मुझे। तो ये बहुत खट्टी है, रॉयल है और इसे जितना ही कम ज्यादा खाओ उतना मेरे लिए कम हो जाता है, क्योंकि ये इससे मेरा मन नहीं भरा। आज तक मैं आई स्वेयर मेरा मन नहीं करता है। तो बस इतना एक्सप्लेन करना था, इतना करना था। तो एक क्वेश्चन पूछा आपने, इसको क्या समझा है, ये कौन सी चीज है। मिल्क शेक मिल्क। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं सेटअप ला चुका हूं। तो आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी चीज है ये। तो इसमें फिट नहीं बैठी थी, इसलिए मैंने ये बड़ा साइज इसे थोड़ा सा ले लिया है। तो अब क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता हूं। पहले ये तो देख। हां हां सॉरी, एक तेरा भूल जाता हूं, मेरी वाली लाइन बोल रहा है। तो क्या है कि ये बाथरूम में यूज होती है। बाथरूम में यूज होती है, बाथरूम वॉशरूम में यूज होती है, उस रूम में यूज होती है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि इसे आप कैसे कहा, इसे बाथरूम में किस तरह यूज करते हैं। मैं इसे अपने नहाने से पहले अपने पूरे शरीर पे लगाता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने में पानी लेता हूं और उसके बाद मुझे कुछ चैन आता है। ओ चैन आता है। तो मेरे तो भाई गर्मी गर्मी छूट जाती। तो सेकंड है कि आप इस चीज को कभी चाककर देख सकते हैं। हां चाककर देख सकते हैं, हमने बहुत सारे चाकू चाकू लिए थे। कौन सी चीज है। ठीक है, तो ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद कभी नहीं पूछूंगा कि इसे आप क्या समझ रहे हैं। इसे मैं समझ रहा हूं सब। साबुन स्क्रीन पे आ गया होगा ना, जो इसने बोला है थोड़ा धीरे बोला है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। 3 2 1 गो। ये चीज इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जब मैं इसको सुनता तो एकदम चैनल सा भिजा के पूरे शरीर में, फिर मैं इसको लगा के पूरे शरीर में भी नहाता हूँ। ये जब खुशबू भी आती है पूरे दिन मेरे पास से, इसको मैंने एक बार चख के देखा ना, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, मीठा मीठा एकदम टेस्टी सा। सो खाते हैं पहली बार सुने बाय बाय। सो बाय गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।